दादा साहब फाल्के, इनके नाम से ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। यही वह महापुरुष है जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार यह सम्मान भारतीय अभिनेत्री देविका रानी को मिला था, अर्थात दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार भारतीय अभिनेत्री देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के के बारे में जानते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। दादा साहब का पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। इनके पिताजी संस्कृत के अध्यापक थे। दादा साहब की शुरुआती शिक्षा मुंबई में ही पूरी हुई। 1890 के दशक में मुंबई में एक मूल चलचित्र यानी कि साइलेंट फिल्म, जिसका नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट, इस फिल्म का प्रदर्शन हो रहा था। उस समय दादा साहब भी इसे देख रहे थे। इसके बाद से ही दादा साहब को भी चलचित्र बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने ऐसा करने के लिए कई चीज़ों का अध्ययन किया, उन्होंने कई फिल्मों का अध्ययन किया। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दादा साहब ने पैसों की व्यवस्था की, फिल्म से रिलेटेड उपकरण यानी कि फिल्म बनाने में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए वह लंदन चले गए। उसके बाद वह वापस भारत आए। उन्होंने फाल्के फिल्म के नाम से एक संस्था स्थापित की। लगभग 1 से 1.5 साल बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, और यह पहली साइलेंट फिल्म थी यानी मूक फिल्म थी। यह भारत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कैमरामैन दादा साहब फाल्के खुद ही थे, क्योंकि उस समय किसी को भी इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं था। दादा साहब ने कलाकारों को खुद ही अभिनय करना सिखाया था। उस समय कोई स्त्री यह काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो स्त्री वाला किरदार भी पुरुष से ही करवाया गया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार यानी राजा हरिश्चंद्र का किरदार स्वयं दादा साहब ने ही निभाया था, अर्थात वह भारत के प्रथम अभिनेता भी है। यह फिल्म 1913 में कोरोनेशन थिएटर में रिलीज की गई थी। इसके बाद उन्होंने कई सारी पौराणिक कहानी पर आधारित फिल्में की, जैसे भस्मासुर मोहिनी और सावित्री, लंका दहन, इस तरह की फिल्में उन्होंने की। लंदन में इन फिल्मों को काफ़ी प्रशंसा मिली। दादा साहब ने लगभग 120 से ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया। 1930 से दादा साहब ने फिल्म निर्माण का कार्य बंद कर दिया था। इस तरह दादा साहब फाल्के ने फिल्मी जगत की शुरुआत की। साल 1944 में भारतीय सिनेमा के जनक अर्थात दादा साहब फाल्के का देहांत हुआ। उनके द्वारा की गई कुछ मुख्य फिल्में श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, राम मारुति युद्ध, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, राम राज्य विजय, हनुमान जन्म, द्रौपदी वस्त्रहरण, परशुराम, संत मीराबाई, कबीर कमल, सेतु बंधन, गंगावतरण, शकुंतला, कंसवध। इनमें से गंगावतरण एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो कि बोलती फिल्म थी, बाकी सारी फिल्में साइलेंट फिल्में थी। इस तरह दादा साहब फाल्के ने फिल्मी जगत की शुरुआत की। तो आपको दादा साहब फाल्के के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।